हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम आपको टूर करवाएंगे ओल्ड टाउन का। तो बेसिकली आज जो मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत हुआ है, सनी डे है और एस्टोनिया में अमूमन बहुत ही कम रेयर केसेस है कि आपको सूरज देखने को मिलेगा। तो सो आज आपने टाइम निकाला और हमने डिसाइड किया है कि आज हम यहाँ की बेस्ट आइसक्रीम ट्राई करेंगे। तो यहाँ की जितनी भी हमने लोगों से और यहाँ के लोकल से पूछा है, उन्होंने तो हमें रिकमेंड जो किया वो जिलाटो लेडीज़ की है। उनके मुताबिक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइसक्रीम ओवर हेयर। सो आज हम उसको ट्राई करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि अगर वो अच्छी है या नहीं है। और इसके अलावा हम जाके वहाँ उनके ऑनर से या जो उनका स्टाफ है वहाँ से उनकी रिकमेंडेशन भी पूछते हैं, वो क्या रिकमेंड करते हैं, और ख़ुद भी ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद हम आपको अपनी रिकमेंडेशन बताएंगे। ओके, चलिए। अच्छा चलिए, अभी तो हम पहुँच चुके हैं जिलाटो लेडीज़ के सामने, लेकिन यार इसके लिए हमें इतनी ख्वारी करनी पड़ी है। लिटरली हम आधे पौने घंटे से गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। पहले अंदर खड़े होकर लाइन में इंतजार किया लेकिन बारी नहीं आ रही थी, फिर आज गाड़ी में बैठे हैं। तो अभी 8 बजे इसने बंद होना और अभी तक उधर रश लगा हुआ है। तो अभी हम भी जाकर लाइन में घुसते हैं, देखते हैं कि हमें मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन उम्मीद तो अगर लाइन में घुसेंगे तो फिर ऐसे खाली नहीं हमें मुड़ने देंगे। और एक और यहाँ बड़ा मसला है कि अगर आपने गाड़ी लगानी है तो गाड़ी के लिए आपको यहाँ पर क्लॉक लगानी ज़रूरी है। तो इसके बगैर आप एक मिनट भी यहाँ से हिल नहीं सकते। तो ये क्लॉक अगर ना लगी होगी तो अगर ट्रैफिक ने चेक कर लिया, ट्रैफिक पुलिस ने, तो वो उसी टाइम जो है ना 30 यूरो की पर्ची हमारे हाथ में पकड़ा के जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इसको जो है ना टाइम के ऊपर लगा के जाएं। चलिए, अभी भी मैं अभी रिसेंटली अंदर से होके आया हूँ। तो अंदर अभी भी रश बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर किस तरह लोग हैं। अभी ये बच्चे भी खड़े हैं, सारे बच्चे लुंगड़े के जो है ना इधर आइसक्रीम खाने आए हैं। तो अभी आपको अंदर से भी पहले दिखाता हूँ कि अंदर क्या हिसाब है। आइसक्रीम ले ली है और दोनों ही सेम ही फ्लेवर है और ठीक है, सेम ही टेस्ट है। नीचे ये पिस्ता फ्लेवर है और उसके ऊपर जो है ना मैंगो फ्लेवर है। तो ये मैंने आपने जैसे वीडियो में देखा होगा, मैंने उससे पहले कहा है कि तुम्हारी रिकमेंडेशन कौन सी है। तो उसने मुझे कहा कि जो मैं प्रेफरेंस पहले नंबर पर रखती हूँ पिज्ज़ा को, सेकेंड में मैंगो को। तो फिर हमने भी कहा जो आपकी प्रेफरेंस है फिर वो फर्स्ट है। तो लेट्स ट्राई दिस वन। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं समझ रहा था कि 8 बजे बंद होती है, लेकिन ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमने उनसे टाइम पूछा है तो ये 12 से रात 10 बजे तक है। तो सो हमने वो सारी हमारी एग्जम्पशन थी कि ऐसे और ऐसे वैसे कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि ये उसने मुझे प्रेफर किया, हालांकि गौरी ने कहा कि ये जो है ना फिट है, तो फिर मैंने उसकी प्रेफरेंस पे ले लिया। हालांकि मेरी कोई ऐसी चॉइस नहीं थी क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं की यहाँ के अभी तक आइसक्रीम। ये मेरी पहली दफ़ा, तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया है, तो ये मेरी पहली
यहाँ की जो आइसक्रीम है जो मैं टेस्ट करने आया हूँ रियली स्पेशल, क्योंकि इसका बहुत नाम सुना था सीनियर से भी और बाकी यहाँ के लोकल से भी, उन्होंने कहा था जिलाटो ज़रूर ट्राई करना। तो इससे पहले कि ये पिघल जाए तो इसको हम ट्राई करते हैं। आइसक्रीम बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की थी मैंने ज़िंदगी में, वैसे मुझे आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है लेकिन ज़िंदगी में बहुत खाई हैं, लेकिन ये जो आइसक्रीम थी ना ये वन ऑफ दी बेस्ट थी। तो मैंने जब उससे पूछा आइसक्रीम लेने से पहले कि इट्स आवर फर्स्ट टाइम सो विच वन यू रिकमेंड, एंड शी सेड कि जो मैंगो फ्लेवर है ना उनका, वो उसको दिन में 6 से 5 दफ़ा जो है ना उसको तैयार करते हैं वो। हालांकि वो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कितना उनका वो बड़ा, कितना बड़ा वो कैरेट था जिसमें ना वो पुट करते हैं उसको। तो उसके बाद उसने मुझे पिस्ता फ्लेवर बताया, तो उसने कहा ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी जो है ना फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, उसने कहा फर्स्ट पे जो पिस्ता है, सेकंड में मैंगो है। तो मैंने कहा जैसे आपकी प्रेफरेंस था आप उसी तरह जो है ना मुझे तैयार कर दें। तो लिटरली खाते हुए पहले तो ये था कि थोड़ी गर्मी लग रही थी था, लेकिन बाद में मुझे कप कपी सी लग गई है, मतलब मज़ा आ रहा था। जहन में कुछ नहीं था कि मैंने जो है ना रिव्यू करना है या ये करना है, वो सीन था ही नहीं। तो आइसक्रीम बहुत ही मज़े की थी, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा। जो लोग ऑलरेडी इस्टोनिया में, उन सबको तो पता होगा इसका, लेकिन जो यहाँ पे नए आते हैं तो उनको चाहिए कि इसको आके ज़रूर ट्राई करें। जिलाटो लेडीज़ है और ये बिल्कुल ओल्ड टाउन में है। तो मज़ीद हम इसका जो एड्रेस है नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उसको भी मैंशन करेंगे, आपकी आसानी के लिए आप जो है ना उसको चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the subscribe button, like and share with your friend. Thank you.